हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम कि हम अगर कोई चार्ज लेंगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज लिया, तो अपने आसपास क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज भी बना सकता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मैं कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज या सेम चार्ज वाला कोई मेरे पास क्या सेम नेचर वाला चार्ज लाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? दूसरे चार्ज को रिपल करेगा। समझ में आ गया? तो किसी भी पर्टिकुलर इन जनरल इसके आसपास क्वीन जनरल कोई भी पॉइंट तक मुझे इन्फिनिटी से कोई चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वही क्या है? वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लास्ट में आपको बता दिया था मैंने, ये तो कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने बता दिया था। जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाकर के वो कॉन्सेप्ट को समझे, फिर अभी क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? आगे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग क्या करेंगे, आज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी क्या, एक पॉइंट चार्ज मैं स्पेस में कहीं रख देता हूँ, वो आपने आसपास क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पर मुझे क्या करना है, उसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेना है। यानी क्या, इन्फिनिटी से अगर मैं कोई चार्ज चला करके लेकर आऊँगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ये मैं अभी क्या करूँगा, फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन किसके वजह से निकाल रहे हैं? पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई? आगे जाकर एक डाइपोल की वजह से निकालेंगे, फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से निकालेंगे। तो पहले एक सिंगल चार्ज से स्टार्ट करते हैं। आइए, तो इसका डेरिवेशन मैं आपको समझाता हूँ। कुछ कुछ पॉइंट्स में, कुछ कुछ स्टेप्स में बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में क्या वो क्यू क्यू नॉट का क्या फंडा है, फोर्स के फॉर्मूला अलग कैसे आ गया, वो बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, वो मैं आपको भी क्लियर करा देता हूँ, समझाता हूँ मैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई एक चार्ज है, मान लो प्लस क्यू। ठीक है, एक चार्ज हमारे पास क्या है, प्लस क्यू। वो अपने आसपास क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और मैं सबसे कन्वीनियंट जो पाथ हमारा है वो ले लेता हूँ। तो ये हमारा क्या है, कन्वीनियंट पाथ है, एक स्ट्रेट लाइन मैंने लिया। और इन्फिनिटी से मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से, ये हमारा इन्फिनिटी है, ये हमारा ओरिजिन है। इन्फिनिटी से मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। ध्यान रखिएगा, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चला करके लेकर आ रहा हूँ, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, यूनिट बोला है मैंने इस वजह से, है ना। तो इसको मुझे क्या करना है, चला करके किसी ये वाले पॉइंट तक लाना है। समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट P है, और O से लेके जो P का डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के जो P का डिस्टेंस है, वो मान लीजिए R है। समझ में आ गया, मुझे इन्फिनिटी से कहाँ तक चला करके लेकर आना है, यहाँ तक चला करके लेकर आना है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये Q क्या करेगा, वो Q नॉट को रिपल करेगा। क्यों रिपल करेगा? क्योंकि ये क्या करेगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करने की वजह से ये क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इन्फिनिटी से उसको पी तक लेकर के आए। अब क्या होता है, अब हम लोग उसको रास्ते में लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी पे भी नहीं है अभी, पी पे भी नहीं है, इंटरमीडिएट प्रोसेस में है, मतलब बेसिकली कहीं रास्ते में है। तो रास्ते में कहीं वो पॉइंट पहुंचा एम, कोई एम पॉइंट तक पहुंचा। समझ में आ गया? तो अब मैं यहाँ पर इसको देखना शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको देखा तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो है हमारा क्यू नॉट अभी यहाँ पहुंचा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, याद रखिएगा। ये क्या कर रहा है, कैपिटल, ये आपका प्लस क्यू क्या कर रहा है, ये इसको रिपल कर रहा है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, के मतलब 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, है ना, ये अपने को समझ में आता है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमारे ओरिजिन है, ये ओरिजिन से इसका जो अभी m का डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस है मान लो x। कितना डिस्टेंस है, x, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये मुझे समझ में आ गया कि इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, कितना फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स मैं जानता हूँ कितना लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है एफ इज इक्वल्स टू, एफ लिख देता हूँ, एफ ई की जगह आसानी हो जाएगी, पता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो एफ लिख देता हूँ, क्या है वो, 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन कितना डिस्टेंस है वो x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर। समझ में आ गया? अब ये तो अपने को समझ में आ रहा है कि ये इसको रिपल कर रहा है, एक फोर्स से रिपल कर रहा है, वो फोर्स कितना है, वो फोर्स है 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन x का स्क्वायर, इतना फोर्स है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, ये जो अपना क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट 1 यूनिट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपका जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट क्या है, 1 यूनिट है, क्योंकि बोला गया है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आपको चला करके लेकर आना है, तो ये 1 यूनिट है। तो अगर ये 1 यूनिट है यहां, तो मैं क्या करूंगा, देयरफोर
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये 1 यूनिट है ना, तो यहाँ 1 लिख दिया और ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं, ये 1 को हटा दिया मैंने, एक ही बात है ना, q इंटू 1 तो q ही होगा। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये फोर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 क्यू 2 अपॉन x स्क्वायर क्यों नहीं है, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर क्यों दिया है स्टेट बोर्ड की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में। तो वो क्या कर दिया उसने, q नॉट को 1 पुट किया है उसने, समझ आ गया क्यों, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वो क्या कर रहा है, चला करके लेकर आ रहा है, समझ में आ गया। तो फोर्स आपको मिल गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्या अपने को लाने का है उसको इन्फिनिटी से पी तक का, समझ में आ गया, इन्फिनिटी से पी मतलब इन्फिनिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आर डिस्टेंस तक लेकर आना है। अभी वो कहां पहुंचा है, एक्स के डिस्टेंस पे पहुंचा है, उसको मैं क्या करता हूं थोड़ा और डीएक्स चलाता हूं, डीएक्स और चलाता हूं और एन वाले पॉइंट तक लेकर के चले जाता हूं, समझ में आ गया। तो n से m तक पहुंचा और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मैं जानना चाहता हूं कि m से n तक लाने में कितना वर्क डन हो रहा है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो वर्क डन कितना हो रहा है, और मैं अब चेक करता हूं वर्क डन क्या होगा। अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ m से n तक में, dx का डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन भी छोटा ही होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा f बार डॉट dx बार, समझ में आ गया, क्योंकि वर्क डन का यहाँ पर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, और क्या वर्क डन बोल रहा हूं मैं, एफ बार डॉट डी एक्स बार, ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानेंगे। तो एफ डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा। कॉस 180 क्यों, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और डी एक्स इधर पे हो रहा है, एंगल कितना है 180, समझ में आ गया। कॉस 180 क्या होता है, -1, तो -एफ डी एक्स हो जाएगा ये आपका डी डब्ल्यू, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो ये आपको क्या मिला, dw, यानी यहां से यहां तक में छोटा सा वर्क डन मिल गया। अब अगर आपको ये स्मॉल वर्क डन मिल गया तो आप टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। टोटल वर्क डन कहां से कहां तक निकालना है, इन्फिनिटी से कहां लाना है, p पर, p का डिस्टेंस क्या है r, यानी इन्फिनिटी से आपको r के डिस्टेंस पे लेकर आना है। तो टोटल वर्क डन निकाल लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अब इसको मैं रब कर देता हूं, फोर्स का फॉर्मूला ध्यान रखना। तो मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं therefore dw is equals to क्या आया, -f dx आया, ठीक है ना, is equals to यहाँ पर -f क्या है, यह है 1 upon 4 pi epsilon naught, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या है q upon क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस है x का स्क्वायर, है ना, अभी मैंने लिखा था 1 upon 4 pi epsilon naught, q1 q2 q नहीं है, q naught को क्या माना है, 1 माना है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, ये dw है, मुझे टोटल वर्क डन निकालना है 0 से w, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से जीरो नहीं, कहां से कहां तक जाना है, इन्फिनिटी से आर तक अपने को जाना है, बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इन्फिनिटी से आर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां पर डी डब्ल्यू का वर्क डन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू माइनस जीरो, आपने सैकड़ों बार किया है ये। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, देखो ध्यान से, माइनस क्यू अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, इन्फिनिटी से आर हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, समझ में आया, क्लियर है। अब एक चीज आप लोग जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं x रेस टू माइनस टू, और x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जल्दी से, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, अगर लिमिट नहीं लगी है तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू माइनस टू dx क्या होगा, जल्दी बोलो, x रेस टू माइनस टू प्लस 1 अपॉन माइनस टू प्लस 1, बताओ जल्दी से कितना होगा, x रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 यानी माइनस 1 अपॉन x होगा, क्या होगा, माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहां पर जो है ये अपने पास जो आया है, इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा इन्फिनिटी से r, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद देयरफॉर यहां पर आप समझने की कोशिश करो, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू ये माइनस वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को भी बाहर लिखा। अब क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, लिमिट करेंगे तो पुट करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, समझ में आ गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r, उसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये अपने पास आया वर्क डन, समझ में आ गया, ये अपने को क्लियर है। अब मुझे बताओ क्या अपने को वर्क डन निकालना था, आप बोलेंगे नहीं सर वर्क डन नहीं निकालना था, अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था पोटेंशियल, पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला बता दो जल्दी से, क्या पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट लेक्चर देखो जाकर के, डिटेल में बताया मैंने, पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज, कौन से चार्ज को चला करके लेकर आ रहे थे आप, क्यू नॉट को, तो ये क्यू नॉट को,
समझ में आ गया। लेकिन क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड क्या है, वन यूनिट, तो अपन लिखेंगे यहां पर इसको वन, तो अगर ये वन हो जाएगा तो वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो बिल्कुल घबराना नहीं कि लास्ट टाइम तो फॉर्मूला डब्ल्यू बाई क्यू लिखा था, फिर टेक्स्ट बुक में बोल दिया है कि वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू है, ये कैसे आ गया, क्यू कहां चला गया, तो क्यू नॉट को वन यूनिट माना गया है इस वजह से आया। समझ में आ गया। अब लिख दो फॉर्मूला, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, तो देयरफॉर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। देखो जबरदस्ती ये डेरिवेशन करा दिया, ये फॉर्मूला तो आपको लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन से ही निकाल के दे दिया था मैंने, आप जाकर के चेक करिए, आपको पता लगेगा कि यही फॉर्मूला हमने लिखा था वहां से भी, कि वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये हमने फिर से क्या कर लिया, डेरिवेशन से भी निकाल लिया। तो डबल डबल मेहनत कराई है टेक्स्ट बुक ने, एक चीज से जब निकल रहा है तो वापस से क्यों करके देना, ठीक है ना, बता देना चाहिए था। ठीक है, है तो मैंने करा दिया, कैसे आया वो सारी चीजें आपको समझा दिया मैंने, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। अब जो है इसके बाद मैं आपको कुछ केसेस बता देता हूँ इसके अंदर, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, एक ग्राफ भी बताना रह गया वो भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि क्यू नॉट को वन यूनिट माना गया है। समझ में आ गया, क्लियर है। इस तरीके से फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यानी अगर कोई आप चार्ज क्यू रखते हैं प्लस क्यू का चार्ज, उससे किसी कोई भी आर के डिस्टेंस पर, किसी भी आर के डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया, चलो आ जाओ। तो ये तो अपने को बात समझ में आ जाती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, अगर अपन बोलेंगे इफ आर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब क्या, ये आपका क्यू चार्ज है और मैं अब क्या करता हूँ इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, तो अगर आर इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। देख के समझ में आता है कि अगर आर इन्फिनिटी हो गया तो आप क्या करोगे, आप पुट करोगे आर की जगह पर, दिस इंप्लाइज वी इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, यानी जब आर इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। उसके बाद अगर आर जीरो हो जाए, आर जीरो का मतलब क्या, जिस जगह पर चार्ज रखा हुआ है हम उसी जगह पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसी को तो आर जीरो बोलेंगे। आगे बढ़ूंगा तो क्या होगा, आर वन टू थ्री, इधर भी वन टू थ्री, इधर भी वन टू थ्री, समझ में आ गया। जीरो का मतलब जिस पोजीशन पे, जिस लोकेशन पे चार्ज रखा हुआ है उस लोकेशन पे क्या पोटेंशियल होता है, तो बहुत सिंपल है, आप पुट कर दो उसको, क्या पुट करोगे, आर को जीरो पुट कर दो, दिस इंप्लाइज v is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon 0, any number divided by 0 is infinity, तो v क्या हो जाएगा, infinity, यानी क्या, कोई भी चार्ज की अपनी ही लोकेशन पे पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। तीसरी चीज जो है, पोटेंशियल जो है पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव होगा। देखो भले पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन चार्ज को विद साइन पुट करना है इसमें, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, भले पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है लेकिन चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ पुट करें, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ पुट करें। समझ में आ गया। तो पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ माइनस आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, कल ही बताया था मैंने, पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है, पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है, ये आपको समझा दिया मैंने। अब एक ग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है और रेफरेंसेस में भी दिया होता है, तो ग्राफ मैं आपको करा देता हूँ अभी, और उसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक चार्ज मैंने लिया, कोई भी चार्ज मान लो प्लस क्यू, ये अपने आसपास क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसी वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, साथ ही साथ हर पॉइंट का कुछ ना कुछ क्या है, पोटेंशियल भी है। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ, तो इट इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखता हूँ तो ये होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, तो ये वाला पार्ट तो दोनों में सेम है, तो इसको कॉन्स्टेंट मानेंगे, तो देयरफॉर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ में आया,
क्लियर है। अब अगर हम लोग इनका ग्राफ बनाएंगे तो इनके ग्राफ में कुछ इस तरीके से यहाँ पर वी और ई प्लॉट करेंगे, यहाँ पर आर प्लॉट करेंगे, तो ये जो है आपका ऐसा कुछ वी का ग्राफ बनेगा और ऐसा कुछ क्या होगा आपका ई का ग्राफ बनेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, ऐसा कुछ क्या बनेगा आपका। प्लॉटिंग कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, प्रॉपरली आप उसको प्लॉट कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक टेंटेटिव आइडिया देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों ग्राफ क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये जो है ना, ये पॉइंट वन यूनिट का है, एक जो ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या है, ये दोनों इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये जो है डॉटेड वाला पोटेंशियल का ग्राफ है और ये जो कंटिन्यूस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। समझ में आ गया? तो ये जो है एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो वाले पॉइंट पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल होगी। वो कौन सा पॉइंट है? वो वन, आर इक्वल्स टू वन वाला पॉइंट है। मतलब क्या, ये चार्ज रखा हुआ है क्यू, इससे वन यूनिट के डिस्टेंस पे वी इज इक्वल टू क्या होगा, ई होगा। देखो पुट करो ना, यहाँ वन पुट करो तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर भी वन पुट करो, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकलता है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है देयरफॉर एट आर इक्वल्स टू वन यूनिट वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई। यहाँ भी वन पुट करो, वहाँ भी वन पुट करो, तो वी क्या हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया? आर जब क्या हो जाएगा, वन यूनिट के इक्वल होगा, तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से जो जो पार्ट्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिया था, जो अलग अलग रेफरेंस में दिया होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी। तो डेरिवेशन भी अच्छे से करिए, फॉर्मूलेज भी बहुत अच्छे से याद करिए, और अगर इसके आगे का पार्ट तो भी मैं कराऊंगा ही आपको, अगर मुझे मौका मिला तो मैं रात में ही उसको रिकॉर्ड कर दूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अननेसेसरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है बुक में, डेरिवेशन वही कराऊंगा जो बुक में दिया हुआ है, क्योंकि डेरिवेशन वैसे ही करने होते हैं जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया है, वरना आसान तरीके से भी इसको किया जा सकता था, लेकिन टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है मैं वैसे ही कराऊंगा आपको। तो अगर मौका मिला तो मैं रात में अपलोड करूंगा, नहीं तो मैं कल या परसों में अपलोड कर दूंगा उसको। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में हमको पूछिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।